mom likes the steak very much, so she ordered it again. Dan is ready to eat his food with these chopsticks. You have to wait for this. Place it back. Khana nahi aaya abhi. You have to wait for the food. He's trying hard to pick these cubes, ice cubes from chopsticks. Wow. Failed. Failed. Wow. Yes, you can do it. Wow. Applause. Applause. And the soup is here. And what flavor is it? Tomato soup. Oh, I just love tomato soup. Let's see. I will try it and then tell you how it tastes. This looks so yummy. Sudan likes Chinese food very much. So guys, the dinner is so yummy, so yummy. I am just falling in love with Chinese food. Sach mein. बहुत मज़े का खाना होता है. जो भी नई डिश ट्राई करो, हाँ एक दो तो बीच में से ऐवे ही निकल आती हैं, बट मोस्टली जो मैंने अब तक खाया है, सुपर यमी, सुपर अमेजिंग फूड. और अभी हम एक और डिश का वेट कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, चिकन की हेड कोई डिश. लेट्स सी वो कैसी होती है. एंड दिस इज़ हलाल रेस्टोरेंट. बहुत खूबसूरत बना है, इंटीरियर बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है. इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे और रेस्टोरेंट्स और हलाल रेस्टोरेंट्स जो हैं मैं आपको विज़िट करवाती रहूँगी. जस्ट स्टे ट्यून्ड. Wow, so yummy. What is this? Tapanchi. Chicken with potatoes. Chicken and potatoes. Lovely. Guys, this is like the aloo gosht, but this is so yummy. अच्छा है, मज़े का. और इस टाइम विल्दान साहब पूरे रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं. सो गाइस, दिस वाज द डिनर टुनाइट. बहुत यमी था, बहुत मज़े का था.
हलाल रेस्टोरेंट था. आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैं इंस्टा पे स्टोरीज रखती रहती हूँ, तो आप लोग सब पूछते हैं कि ये आप हलाल खा रही हैं या नहीं, क्योंकि चाइना में हलाल मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. तो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि मैं जिस सिटी में हूँ शीनिंग, वहाँ पे जो है मोस्टली मुस्लिम्स रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस हैं हमारे पास और बहुत ही ज़बरदस्त फूड होता है. तो मैं ये कहूँगी कि आई एम लकी कि मैं इस सिटी में आई हूँ और मुझे हर जगह हलाल फूड बहुत ईजीली मिल जाता है. दिस टाइम बुल्तान जो है पूरे रेस्टोरेंट में घूम रहा है और सब लोग बुल्तान के साथ खेल रहे हैं. एज यू गाइस कैन सी, बुल्तान साहब जब भी अटेंशन इसको मिलती है तो ये अपने कर्तव्य दिखाना शुरू कर देता है. यहाँ ज्यादा से ये चला Vildan, come here. My brave boy. आज हम जा रहे हैं विल्दान के हेयर कट के लिए. इतने दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे, मैं प्लान कर रही थी कि मैं विल्दान का हेयर कट करवाऊँ. सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा विल्दान का हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि मुझे जो है लॉन्ग हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों के, तो मैं बिल्कुल नहीं कटवाना चाहती थी. बट थोड़े से मुझे भी अब लग रहा है कि थोड़े से बड़े हो गए, बस थोड़ी सी कटिंग की ज़रूरत है और जस्ट फॉर अ चेंज, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाए मे बी. तो इसलिए मैंने सोचा कि आज विल्दान का हेयर कट लेते हैं और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी. मुझे नहीं पता था कौन से अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हैं, क्या है क्या नहीं है, यहाँ का कुछ नहीं पता था. तो मैं काफ़ी दिन से सर्च में थी और मैंने सबको बोला हुआ था कि कोई भी अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हो बेबी बच्चों के तो आप मुझे बताइएगा. तो आज मुझे पता चला है एक हेयर स्टाइलिस्ट का. मैं उधर ही जा रही हूँ विल्दान के हेयर कट के लिए. आई होप सो कि वो ज़्यादा जो है वो शॉर्ट ना करें विल्दान के हेयर और अच्छा सा हेयर कट करें. यस yes. और आप विल्दान को आखिरी बार देख लें इन बालों में. ही इज स्लीपी एज यू गाइस कैन सी. पर आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आराम से जो है अपना हेयर कट करवाने दे. आई होप सो. मुझे सिर्फ ऐसी बात का डर है कि तंग ना करे, ज़्यादा रोए ना. hmm.
About this? This? So जी, we selected this haircut ताकि ज़्यादा बाल ना कटे. Yes, this. वही करवा लो. वो बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे. I don't know, बहुत छोटे हो जाएंगे. तो बड़े हो जाए तो छोटे भी करवा सकते हैं ना. पर एकदम से छोटे बड़े नहीं हो सकते. इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कौन बनेगा करोड़पति की सीट पे बैठने के लिए जा रही हूँ. इतनी मैं ज़्यादा नर्वस थी कि आई डोंट नो क्या होने वाला है विल्दान के साथ. मैं विल्दान के बालों के लिए इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ. विल्दान जब पैदा हुआ था तो हमारे रिलीजन में बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को बाल्ड करवाना जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं. तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं हो रही थी. सब ने बोला कि नहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे रिलीजन में है तो हम लोग जो है बेबी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसके बाल कटवाने पड़ेंगे. कोई 8-10 दिन बाद जाके जो है मैंने अपना माइंड तैयार किया और फिर मैंने जो है सबको परमिशन दी कि चलो ठीक है यार करवा लो, इसके बाल जो है कटवा लें. फिर घर में बुलाया गया किसी को और जो है विल्दान के बाल कटे. और उस वक्त मैं बिल्कुल रोने जैसी हो रही थी क्योंकि मुझे बच्चों के जो छोटे छोटे बाल हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होते और विल्दान बाल्ड हो गया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. फिर मैंने बड़ा ऑयल लगा के विल्दान के जो है बाल दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट हुए अल्लाह अल्लाह करके. फिर उसके बाद विल्दान व्हेन विल्दान वाज 7 to 8 months ओल्ड तो इसके जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें विल्दान के बड़े बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे. तो वो मुझे एक दिन बिना बताए विल्दान को मुझे बोला कि जस्ट मैं इसको ना जस्ट आउटिंग के लिए बाहर लेके जा रहा हूँ और मैं अभी आ रहा हूँ बस 5-10 मिनट में. उसके बाद जब वो विल्दान को वापस घर लेकर आए विल्दान के बाल बिल्कुल मतलब बिल्कुल छोटे छोटे करवा कर आ गए. मैं अब वो बड़े थे ऑब्वियसली मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी बट मेरा दिल बिल्कुल टूट गया. दिल टूट हो गया. बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ज़्यादा ना खड़ी है शिबा माउंट शुरू और ऐसा हो रहा होता है बहुत छोटे छोटे बाल लेके यहाँ से जाए. हाँ बहुत मेहनत से बढ़ाए थे इसके बाद. मैं चाह रहा हूँ नहीं ऐसा ही नहीं चीज़ हुआ क्योंकि जब बड़े होंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे. नहीं एक्चुअली बड़े हो जाएं तो छोटे हो सकते हैं, जब छोटे हो जाएं तो बड़े नहीं हो सकते. तो मैंने इसलिए थोड़ा बड़े करने को बोला कि अगर हमें नहीं अच्छे लगे तो हम छोटे करें. बट अच्छी ग्रोथ होने की वजह से माशाल्लाह विल्दान के बाल दोबारा से बढ़ गए. उसके बाद जाके अब इसका मैं प्रॉपर हेयर कट ले रही हूँ वरना आगे से थोड़े थोड़े बाल मैं शॉर्ट करवा देती थी. गाइस अभी इस टाइम मुझे इस चेयर पर बैठे हुए ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी कोई लाइफ का बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम चल रहा है जिसमें मेरी ज़िंदगी का फैसला होने जा रहा है. बड़ा अजीब लग रहा है धान को इतने छोटे वाले में देख के. मेरी हालत इस टाइम ऐसे हो रही थी कि कोई मौका मिले और मैं उठ के भाग जाऊँ यहाँ से क्योंकि मैं रियलाइज़ कर रही थी कि थोड़े थोड़े करके विल्दान के बहुत सारे बाल कटते जा रहे थे और बहुत बुरा लग रहा था मुझे सीरियसली. और पीछे से स्पेशली विल्दान के बाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो जैसे जैसे वो पीछे वाले बालों पर सिज़र चला रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मेरे दिल पर कैंची चला रही है.
और सही पीछे से, ये पीछे से इतना फील नहीं होता। नहीं अच्छे लगते हैं। एक बार तो करवाए ना, फिर ये 5-6 महीने चले। सारे बाल काट दिए मेरे बेटे के। वो मशीन लगाना चाह रही है नीचे से। यस हियर, ये देखो ना ये इधर मैं चेत आई थे तो थोड़ा पे थोड़ा था पर शांत है ना, जो जो रहे थे थोड़ा जो से बेटा फासी नहीं कुछ नहीं फासी ना। गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, मैंने बहुत मेहनत से अपने बच्चे के बाल बढ़ाए थे। I don't think so. यार आगे से तो ना करवा। I don't know, मुझे बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हैं। थोड़े बहुत तो लगेंगे ना। Very difficult to digest. और नहीं अच्छी तरह। वो चुदा। ये का ताकि ला, बुखार तो। कि जब दान उठेगा वो अपने आप को जब मिरर में देखेगा। पीछे से देखे। ओह गॉड, माय लिटिल बॉय। मालूम है? यस। अह हेलो। यस। डन। डन? Not wash. She thinks you need to wash. Why? Because he's baby. Really? मेरे ख्याल से कर देते थोड़ा फ्रेश हो जाता, अब भले उठ जाए तो कोई मसला नहीं। अगर अब भी जाए तो उसकी काम तो तमाम हो चुका है भाई। Well done, mama. Wake up. No wake up. See yourself in mirror. बाय बाय लॉन्ग हेयर। जब उठेगा विल्दान की क्या हालत होने वाली है, क्योंकि विल्दान अब अपने आप को मिरर में देख के पहचानने लग गया था और वो काफी एंजॉय करता था शीशे में देख के। वॉश फॉर वॉश। ओके बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। Round and round.
round and round, round and round. The people on the bus go. मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं इसको लोग देखेंगे देखेंगे करेंगे हो गया ना बस Oh, thank you so much. Mama is very beautiful. She's saying his mom is beautiful too. And it's so sad right now. Very, very, very sad. अच्छे नहीं लग रहे? Why are you sad? पसंद नहीं है? Vildan, do you like your hair? Vildan सकते में चला गया है, guys, this time. अच्छा ना बस हो गया हो गया I'm sorry. He's so sad. Who's this cute little boy? His name is Vildan. He's very lovely. Thank you. So guys, this was it for today. ये था जी विल्दान का हेयर कट का व्लॉग. आज मैं विल्दान के आफ्टर एजेस हेयर कट लेने जा रही थी, करवाने जा रही थी एक्चुअली. तो आई थॉट कि आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊँ, आप लोगों से ये शेयर करूँ कि विल्दान का हेयर कट कैसे होता है, यहाँ पे कैसे बच्चों का हेयर कट करते हैं. आप लोगों ने सब देखा होगा, आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया हो. आई डोंट नो ये बच्चे सब मुझे देख कितना हंस क्यों रहे हैं. Let me know in the comment section below आप लोगों को ये vlog कैसा लगा और विल्दान कैसा लगा. Actually ऐसा होता है कि जब भी आप नया नया हेयर कट करवाते तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मेरे साथ भी अभी यही सीन है. मुझे विल्दान का हेयर कट इतना अच्छा नहीं लग रहा,
बट मेरी थोड़े से बाल बड़े हो जाए तो अच्छा सा जो है लुक निकल के आए, बट अभी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही बच्चे के छोटे बाल। और मेरे ख्याल से विल्दान भी सैड है, और विल्दान शायद इसलिए सैड है कि वो अभी नींद से उठा है और उसके साथ ये हो गया। Do you love him? We love Vildan. Goodbye. They want to take selfie with you. Yes. Oh, okay. In their watch phone. Okay. Yes. Okay. Open the door. Looking handsome.